गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको ले चलती हूँ बीरोखाल। आज का सफ़र बीरोखाल तक का, तो चलो चलते हैं बीरोखाल और देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं तो पैदल पैदल अकेले अकेले। क्लियर होनी चाहिए। जीरो काल। ए ए लड़के ना चितिल ना चित कि रूणी किले छपे रे आ गया लाई लव। हां हां समझा दे। हां जानो छु तो फ्रेंड्स, मैं रोड में पहुंच गई हूं और गांव इतना खाली खाली हो रखा है, कोई नहीं दिख रहा। पूरे रास्ते पर कोई दिखाई नहीं और अभी भी रोड में भी सुनसान हो रखा है। पता नहीं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। वैसे टाइम तो यही है गाड़ियों का, तब देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं तो पैदल भी किसके साथ जाना है अकेले अकेले। सो गाइज, गाड़ी तो आ नहीं रही, तो अब पैदल पैदल ही जाना पड़ रहा है। और ये डाला गाँव का ऋषभ, वो भी पैदल ही जा रहा है, तो उसके सहारे मैं भी जा रही हूँ, नहीं तो अकेले अकेले मेरे बस का नहीं अकेले जाना। अब तभी भी नज़र पीछे ही है कि क्या पता गाड़ी मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है कि गाड़ी मिलेगी। तो चलो पैदल ही चलते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारे गांव का कूड़ेदान। जो तो गाइस, ये देखिए, बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिली थी, वो भी पूरी भरी हुई थी। हेलो, मैं आपको बताऊं भाई जी, हां मान लो, तो ना
तो गाइस मेरा बीरोखाल में जो भी काम था वो पूरा हो गया था और अब मैं दीदी के घर पे चली गई थी। और इसके बाद हमको जाना था बैजरो, मतलब पहले कोई प्लान नहीं था, अचानक से बैजरो जाने का प्लान बन गया। और ये देखिए, ये है दीदी के कमरे के बाहर का व्यू। और ये देखिए दीदी ने कितने अच्छे पौधे लगा रखे हैं। खोल ना जी, चूहे ने काटा, मैंने खोली, खोल दो। मैंने काटा है ये, मम्मी ने, मम्मी को, मम्मी तो चली आकाशपुर।